ये सारा इंपोर्ट का सेक्शन होता है, ये सारा इंपोर्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, अनदर डे अनदर व्लॉग, वेलकम। चलते हैं आज बाजार, जजान का बाजार देख के आते हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना, वाह। जजान का मौसम बड़ा गर्म है, फिर भी कुछ सामान वगैरह परचेज करना है तो चलते हैं, जाके परचेजिंग करते हैं, दिखाते हैं, मिलते हैं बाजार में फिर, बाय। टीम पहुंच चुकी है, चलो अच्छा, तो चलो जा रहे हैं जी। तेल गलत आ गया, वो वापस करना है। राशिद मॉल, वाह, दो दिन पहले आए थे तो इतना रश था ना, बड़ा ज़बरदस्त है, लंबा चौड़ा है ज़रा। आ गए पांडा में, तेल चेंज करना है इन लोगों ने ना, अपना ऑयल, और हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे जो लेना हुआ। ये है जी काउंटर है जहाँ पे वो रिटर्निंग का पहले बिल बनता है ना, यहाँ से। क्या हुआ, छः में लगा हुआ किला आदमी, मैं कौन सा दिख रहा हूँ, मेरे पास चीज़ बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है, खाई नहीं जाती पूरी। और बता, ये सेब है बाद में ऐसे नरम हो जाता है, फिर कहाँ चलता है। माई फेवरेट, मुझे तो बड़े पसंद है यार ये, इसको क्या बोलेंगे पाकिस्तानी ज़बान में, ऑरेंज वैलेंसिया 395। फलों का बादशाह आ गया है, लेकिन अभी सही नहीं है, कंडीशन ऐसे है जैसे अपने वहाँ पे तोता परी आम चलता है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसे ही है। ये कोई इंडियन नस्ल है, हिंदी मैंगो लिखा हुआ है नाम, और ये सूडानी है, सूडान का आम है, सूडान से आया है। और ये तोमी है, आई डोंट नो तोमी किसको बोलते हैं, तो अचारी आम लग रहा है जो अचार डालने के लिए होता है ना। ये मीट है, सारे का सारा गोश्त सेक्शन है ना बना हुआ, ये कीमा वगैरह, बारबेक्यू के सारी आइटम वगैरह। शॉपिंग हो रही है, ये सारा इंपोर्ट का सेक्शन होता है, ये सारा इंपोर्ट हुआ फ्रूट होता है जो बाहर दूसरे मुल्कों से आता है, इसलिए थोड़ी प्राइस भी हैवी होती है इनकी। मायन नूडल है, मायोनीज है, सेब है और माल्टे, बस बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं। पैसों का हिसाब किताब हो रहा है, पैसे भाई नकदों नकद होने चाहिए। उधर से जिधर से आए हैं ना, गाड़ी इधर ही खड़ी है। शॉपिंग कर ली सारी? हाँ जी, हाँ जी। शॉपिंग कर ली है सारी, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने कैंप में वापस। अभी और कुछ रहता लेने वाला? हाँ, और सामान लेना है। यहाँ परदेशियों की यही शॉपिंग होती है, जो भी कमरे का सामान है, कोई गाड़ी मिल जाए तो भाई आ जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, ना मिले तो ना सही। फिर बकाला जिंदाबाद, फिर बकाले से महंगी चीज़ मिलती है, दो तीन रियाल ज़्यादा होते हैं उनकी प्राइस, हम लोग वो ले लेते हैं होते हैं। ये भी मेरा है, ये इसमें मेरे नूडल,
नहीं ये मेरा नहीं है, ये साबुन वाला नहीं, ये वाला। हाँ ये मेरा है और ये मेरा है, ये तीनों हो गए मेरे। कितने कम हैं ये? दूध जड़ा ना सऊदी दूध आया 77 का, हां ते दो इहदे विच लगे नमक 80 रियाल। 80 रियाल चाचे चाचे। जो सऊदी हलीब है 77 रियाल का मिला है एक कार्टून, और जब हम लोग 2015 में आए थे ना तो उस वक्त हमने वही जो कार्टून था वो 24 रियाल में ऑफर में लिया था हमने। अच्छा। तो अभी 77 का है, तो कितना बदल गया है ना वक्त। ये आ गए हम लोग जिजान की सब्जी मंडी। ये सारी सब्जी मंडी की दुकानें, पूरी मार्केट ही सब्जी मंडी है ना, लोग आते हैं अक्सर यहाँ से सामान लेने के लिए, कुछ सस्ता भी मिल जाता है और फ्रेश भी मिल जाता है। फिश वाला सारी शॉपिंग। हाँ जी, कोई सामान रहता तो नहीं है? थोड़ा सा बस इंशाल्लाह। हम क्या रह गया, मैं खुद डर गया हूँ। आटा बाकी है बस। हाँ आटा रह गया, आटा बाकी है। तो ये प्रदेश की ज़िंदगी होती है कि अपने साथ घर वालों के साथ ये चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। सही बात है। तो इंसान की कोशिश होती है जहाँ से कोई 2-3 रियाल चीज़ सस्ती मिल जाए, आराम से मिल जाए, तो वही बेहतर रहती है। तो इसलिए फिर मंडी वगैरह का रुख करते हैं, मंडी आ जाते हैं, फिर चीज़ें मिल जाती हैं, फिर शॉपिंग हो गई है सारी, गाड़ी में लोड हो चुका हुआ है सामान। ऑयल बाकी है। हाँ तेल रह गया इनका और आटा रह गया इनका, दो चीज़ें रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगली जगह पे। हो गए जी? हो गया जी। जबरदस्त। कितने में मिला ये कंबल? ये 120। 120 में 6 kg है। तो ये तीन वाला सेट मिला या एक वाला ही है? तीन वाला है, सिंगल लिया, तीन वाला नहीं लिया। ये दोनों भाई छुट्टी जा रहे हैं, पक्की पक्की वाली छुट्टी जा रहे हैं, कच्ची वाली छुट्टी नहीं है ये। तो शॉपिंग हो रही है इनकी भी। दोनों आप